नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाक्षी दीक्षित अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। ब्रिटेन के चुनाव नतीजों में लेबर पार्टी 358 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 81 सीटों पर ही जीत दर्ज कर चुकी है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रिचमंड सीट से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर को जीत की बधाई दी। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सीबीआई को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक इस वर्ष 12 से 14 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हो रही है। देशभर के सभी प्रांत प्रचारक इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। संघ की संगठन योजना में कुल 46 प्रांत बनाए गए हैं। संसद का मॉनसून सत्र इस साल 22 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चल सकता है। इस दौरान बजट पेश किया जाना है। रिपोर्ट्स के माने तो वित्त मंत्री 24 जुलाई के बजट पेश कर सकती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार बजट में सरकार मध्यम वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उसके समाधान पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के शिक्षकों और छात्रों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। पहले चरण में 560 अनुदानित मदरसों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। यहां पर अब सीसीटीवी की निगरानी में शिक्षण कार्य होंगे। दूसरे चरण में सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। उत्तर प्रदेश एक बार फिर रोमांचक मोटो जीपी मोटरसाइकिल दौड़ आयोजन की मेजबानी करेगा। विश्व स्तरीय यह आयोजन ग्रेटर नोएडा में प्रतिष्ठित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। राज्य में अगले 5 वर्षों के लिए मोटो जीपी रेस प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मोटो जीपी आयोजन की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति भी बनाई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर एसआईटी की 15 पेजों की रिपोर्ट सौंप दी है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी यूपीआई सर्विस की शुरुआत की है। कंपनी का कहना है कि इस सर्विस के शुरू करने से उसके ग्राहकों को भी सहूलियत होगी, जहां ग्राहकों को ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट करने के लिए किसी और ऐप को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं स्विगी को उम्मीद है कि इस सर्विस से पेमेंट फेल होने के मामले भी कम होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 504.27 अंक लुढ़क कर 79,545.40 अंक पर आ गया। एनएसई निफ्टी 105.30 अंक फिसल कर 24,196.85 अंक पर रहा। कमल हासन की नई फिल्म इंडियन 2 12 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। इंडियन 2 को सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी दे दी है। फिल्म का रन टाइम लगभग 3 घंटे तक होगा। इसी तरह अवरल टाइम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।